मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसे लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज है। अब राज्य में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है और लोगों को पार्टी से जोड़ने की कवायद में जुट चुकी है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के दमोह की रहने वाली टीवी अभिनेत्री चाहत पांडे आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई है। इस अवसर पर अभिनेत्री ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश के लिए, दमोह के लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विचारधारा और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपना काम शुरू किया है, मैं बड़े कॉन्फिडेंटली आपको बता सकता हूं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में इतना आम आदमी पार्टी का प्रचार और प्रसार जिस तरीके से बढ़ रहा है, एक एक गाँव में, एक एक शहर में, वो अद्भुत है। और इसका प्रमुख कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को वहाँ की जनता ने बहुत बारी मौका दिए। ये दोनों पार्टियाँ ये नहीं कह सकती कि इनको मौका नहीं दिए। आज अब इनके पास स्थिति ये आ गई है कि जनता के पास जाने पर ये क्या बोलें, इनके पास बोलने को कुछ नहीं बचा है। आम आदमी पार्टी को जनता एक मौका देना चाहती है और धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का परिवार चारों तरफ बढ़ रहा है। इसी सीरीज़ में दमोह से है हमारे साथ चाहत मणि पांडे जी हैं, ये आज आम आदमी पार्टी के परिवार में सदस्यता ग्रहण करेंगी। बॉलीवुड में इन्होंने अपना करियर बनाया, आज एक सक्सेसफुल अभिनेत्री हैं और टीवी, बहुत सारे टीवी सीरीज़ में ये सक्सेसफुली काम कर चुकी हैं। आज वो आम आदमी पार्टी से जुड़ रही हैं। पहली बात तो थैंक यू सो मच अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए, अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं दमोह के लिए कुछ कर सकूं, अपने दमोह के लिए, अपने मध्य प्रदेश के लोगों के लिए कुछ कर सकूं। क्योंकि 7-8 साल हो गए हैं मुझे बॉम्बे में एंड मेरा जो सपना था एक्टिंग इंडस्ट्री में जाने का, वो मैंने पूरा किया और अब मुझे लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी अपने लिए तो सब लोग जी लेते हैं, सब अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपना खुश रहते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा, जहाँ हम पैदा हुए हैं, जो हमारी जन्मभूमि है, जो हमारा देश है, जो हमारा मध्य प्रदेश है, उसके लिए भी हमारा कुछ कर्तव्य है, कुछ फ़र्ज़ है, उसको हमें निभाना चाहिए। उस फ़र्ज़ को निभाना भी हमारी जिम्मेदारी है, अपनी जन्मभूमि के तरफ भी हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। तो अब बस मैं वही अपना फ़र्ज़ निभाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं दमोह शहर से, एक बहुत छोटा सा ज़िला है, एक बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, एंड जब मैं बॉम्बे गई थी तो दमोह को बॉम्बे में कोई नहीं जानता है, क्योंकि दमोह में ऐसा कुछ है नहीं कि जिसकी वजह से लोग जाने। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे दमोह को सब लोग जाने। तो बस मैं जहाँ से हूँ, अब मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने दमोह के लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और हमारे दमोह में बाल श्रमिक बहुत ज़्यादा हैं और ये जब कुछ चीज़ें हमें पता चलती हैं, चाहे वो साफ़ सफाई के मामले में हो, चाहे वो बाल श्रमिक के मामले में हो, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में अगर कोई शहर है तो वो दमोह है, जहाँ पे बाल श्रमिक सबसे ज़्यादा हैं। तो ये सुन के मुझे बहुत दुख होता है और अब मैं ये चीज़ हटाना चाहती हूँ। तो मैं अब अपने करियर को छोड़ के आ रही हूँ राजनीति में, लोग अपना करियर बनाने आते हैं, मगर अगर यही सब चीज़ें चाहिए होती मुझे, नेम, फेम और पैसा, इसके लिए मैं बिल्कुल नहीं आ रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास हैं और अब मैं इनको छोड़ के आ रही हूँ, क्योंकि अब मैं अपने दमोह के लिए, अपने मध्य प्रदेश के लिए, अपने बुंदेलखंड के लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बाकी जो पार्टीज़ हैं, देखिए कथनी और करनी में बहुत अंतर है। लोग कहते सब हैं कि हम ये करेंगे, हम शिक्षा पे काम करेंगे, हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे, हम स्कूल्स पे काम करेंगे, हम ये बनवाएंगे, हम ये करवाएंगे, मगर करता कोई नहीं है। जो करता है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी करती है। उनकी इस विचारधारा से, इस बात से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगी कि कहने और करने में बहुत अंतर होता है। लोग कहते हैं लेकिन आम आदमी पार्टी करती है, उनका काम बोलता है। सो बस यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं दिल से आना चाहती थी कि नहीं मैं आऊँ, क्योंकि मैं अपने आप को एक आम इंसान समझती हूँ। तो आम आदमी जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी विचारधारा और उनकी विचारधारा बहुत मैच करती है, क्योंकि मैं भी सिर्फ कहना नहीं करना चाहती हूँ। राष्ट्र सर्वप्रथम।